द एंगल और रूप चतुर्दशी की आप सभी को द एंगल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनोहर लाल खट्टर चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता, सभी विधायकों ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के जारी हुए परिणाम, राजनीतिक हलचल तेज, सत्ता के बंटवारे को लेकर दिवाली के बाद होगी बात। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार मार रही है किसानों के पेट पर लात, होश खो रही है भाजपा सरकार। और कांग्रेस ने की भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग तेज, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि मनोहर लाल खट्टर सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। मनोहर लाल के नाम का प्रस्ताव अनिल विज और कंवर पाल गुर्जर ने रखा, सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद ने बैठक में मौजूद विधायकों से पूछा कि क्या विधायक दल के नेता के लिए कोई अन्य नेता का प्रस्ताव भी है, तो सभी ने एक सुर में हाथ खड़ा करके मनोहर लाल का नाम लिया। मनोहर लाल ने विधायक दल का नेता बनाए जाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 5 साल की तरह इस बार भी एक साफ सुथरी सरकार बनेगी, समर्थन देने वालों और अपने सभी मंत्रियों को साथ लेकर चलूंगा, हर वर्ग का विकास होगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद राज्य में नई सरकार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राज्य में भाजपा शिवसेना की जीत को लेकर बधाई दी और कहा कि वह सत्ता के बंटवारे को लेकर दिवाली के बाद बात करेंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना से कोई बातचीत नहीं होगी। बेशक उद्धव ठाकरे 50-50 के फार्मूले को लेकर दबाव डाल रहे हैं, जिसका मतलब है कि मंत्रालयों का बंटवारा बराबर होगा और 2.5-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दोनों पार्टियों के पास रहेगा। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के पेट पर लात मारकर अपने मित्रों की जेब भर रही है। प्रियंका ने यह बात उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कही। दरअसल प्रियंका गांधी ने शनिवार को लगातार 2 ट्वीट किए। इनमें से पहले ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि संसद से इंडिया गेट तक दिल्ली के सबसे मशहूर खूबसूरत ऐतिहासिक स्थान को सुंदर बनाने का एक गुजराती कंपनी को ठेका और सरकार का अनुमानित खर्चा 12,450 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 7,000 करोड़ रुपए, भाजपा सरकार होश खो रही है। बीजेपी के सावरकर को भारत रत्न देने की आलोचना के बाद अब कांग्रेस ने भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग तेज कर दी है। आनंदपुर साहिब से सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए भारत रत्न की मांग की है। साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर करने की मांग की। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी चिट्ठी। सरकार औपचारिक रूप से उन्हें शहीद आजम का सम्मान दे और भगत सिंह की याद में मोहाली में स्थित चंडीगढ़ हवाई अड्डे को समर्पित करे। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ओमान के साथ चल रहा द्विपक्षीय संयुक्त युद्धा अभ्यास का समापन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि युद्धा अभ्यास के समापन के बाद सेना घर लौट रही है। यह अभ्यास 17 अक्टूबर से वायुसेना बेस मसीराहा ओमान में शुरू हुआ था और 26 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है। अभ्यास का उद्देश्य भारतीय ओमान सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना और अपने अपने सर्वोत्तम अभ्यासों का पारस्परिक आदान प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। दिवाली के उपलक्ष्य में अयोध्या में 26 अक्टूबर को 5.51 लाख दिए जलाए जाएंगे। 3 दिनों तक यहां दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस महोत्सव में यहां के निवासी, आम लोग और निजी संस्थान भी भाग ले रहे हैं। 2018 में यहां पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे, जो कि विश्व रिकॉर्ड थे, और इस बार अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। महोत्सव के लिए राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
आईएनएक्स मीडिया घूसखोरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चिदंबरम के सशर्त जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दी है। जांच एजेंसी ने याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर फिर से विचार करे, क्योंकि चिदंबरम ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित किया है। पुनर्विचार याचिका में सीबीआई ने कहा कि पी चिदंबरम के खिलाफ दो गवाहों ने इस बारे में अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है, ऐसे में चिदंबरम की जमानत रद्द होनी चाहिए। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।